बैतूल में खाकी वर्दी के अंदर छिपे हमदर्दी देखने को मिली है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति को उनके बच्चों ने छोड़ दिया और उनके सामने जीवन यापन की समस्या आकर खड़ी हो गई। वहीं ऐसे में खुद एडिशनल एसपी ने जाकर इस बुजुर्ग दंपति को राशन दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस दंपति को आश्वासन दिया है कि आगे भी पुलिस डिपार्टमेंट उनकी मदद के लिए आगे रहेंगे। ये एक कल हम लोगों के द्वारा बैतूल पुलिस के द्वारा संगवारी मोबाइल पेट्रोलिंग स्टार्ट की गई है, जो कि महिला शिकायतों से संबंधित है। इसी में हम लोगों की ये मंशा थी कि ये महिलाओं के लिए है, इसलिए इसका जो फ्लैग ऑफ होना है ये महिलाओं द्वारा होना चाहिए। और इसी तारतम्य में कुछ दिनों पूर्व एक महिला की शिकायत हमारे पास, बुजुर्ग महिला की शिकायत आई थी कि उनके बच्चे उन्हें मारपीट कर रहे थे, और उसी में संज्ञान में आकर चूंकि महिला की मदद की गई थी, इसीलिए बुजुर्ग महिला को हम लोगों ने कार्यालय में यहाँ पर बुलाया था। जब कार्यालय में आई वो, तो वहाँ पर जब मेरे द्वारा उससे बात की गई तो ये पता चला कि महिला को खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है, चूंकि उसके बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मैं उससे मिली थी, और जब ये चीज़ें सामने आई तो मैंने वहाँ जाकर देखा। जब मैं बुजुर्ग दंपति से मिली तो वो इस व्यवस्था में नहीं है कि कहीं बाहर जाके काम कर सकें, इसीलिए मैंने वहाँ पर जाके उन्हें कुछ राशन मुहैया करवाया था।